IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास शहर में बीते दिनों अलग अलग क्षेत्रों में चाकूबाजी की वारदात हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा रामदेव चौराहे के पास रितेश पिता अजब राव उम्र 30 वर्ष निवासी निमाड़ नगर को किसी नुकीली चीज से हमला कर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। वहीं BNP थाना क्षेत्र के भोपाल रोड स्थित विद्युत वितरण कार्यालय के पास सोमवार सुबह अर्जुन पिता राम प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी बुधन गांव पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया। दूसरी घटना BNP थाना क्षेत्र के ही उज्जैन रोड बाईपास पर भोपाल से बदनावर की ओर जा रहे ट्रक के चालक पंकज पिता गोपाल मांझी उम्र 26 वर्ष निवासी भोपाल को एक्टिवा से आए दो बदमाशों ने रोका और रुपए की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने की बात को लेकर बदमाशों ने ट्रक चालक पंकज पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर देवासी CSP दिशेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना है ये, और रितेश खाड़े पिता अजब खाड़े, ये जो गौरव नगर का गार्डन है, यहाँ ये ऑटो से जा रहे थे अपने, ये ऑटो चालक हैं, और पीछे से एक दो बाइक सवार ने इनको टक्कर मारी और विवाद किया, और इसके बाद इन्हें एक नुकीली चीज़ से मारा, जिस पर से थाना सिविल लाइंस पर अपराध क्रमांक 566/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई और CCTV फुटेज देखे गए। अल सुबह इनके द्वारा दो फिर अलग 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 थाना क्षेत्रों में, एक BNP थाना क्षेत्र में और एक नहर दरवाज़ा थाना क्षेत्र में घटना कारित की गई। और नहर दरवाज़ा थाना क्षेत्र में इनके द्वारा जो घटना कारित की गई उसमें अपराध क्रमांक 324 धारा 109 BNS धारा 35 अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, और थाना BNP पर अपराध क्रमांक 767/24 धारा 119 व BNS की अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पीड़ित पर वार किया गया, और घटना गंभीर थी, जिस पर से अलग अलग टीमें गठित की गई और तमाम CCTV कैमरे देखे गए, और दो आरोपी इसमें डिटेन किए पुलिस के द्वारा। आरोपी यश वर्फ कल्ला पिता ललित बोयत और आरोपी ऋषभ चौहान पिता राकेश चौहान, ये पूर्व में भी अपराधी हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, और इन्हें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है।